ना आप मेरी जमीन आपको अच्छे से दे सकते हो। अब आपको यह जमीन अच्छे से दी है, मेरी गड्डी यहाँ पर अड़ी थी, यहाँ पर ये जो होता है ये मैंने कहा कि ये होता है 36। ओके फिर आगे हमने क्या कर दिया, आगे हमने क्या किया 36 बाय 120 निरन बच्चों स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी। Yes, sir. चलो तो इस तरह से वो अब दूसरा नया क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ तो ठीक है हाँ चलो अब देवराज पढ़ दो एक क्वेश्चन नंबर 8। एब्सेंट है सर देवराज। एब्सेंट है तो किसे कहेंगे सर, देवराज आता ही नहीं है सर। देवराज कोई लेक्चर में नहीं आता, आपके भी नहीं और अटेंडेंस से नहीं आता ही नहीं। ठीक है चलो तो बात करेंगे। हाँ चलो आप पढ़ लेकिन वो हाँ बोल। अरे ऐसा कह रहा सर वो आएगा, उसका वो मोबाइल है ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसने कहा कि मैं अभी मतलब ज्वाइन कर नहीं पा रहा, मोबाइल खराब है इसलिए, लेकिन जैसे जैसे ही हो जाएगा ना तो ऐसे करेगा मतलब। ठीक है तो चलो बात कर लूंगा। चलो अब कौन पढ़ेगा तो फिर मोहित तू पढ़, बहुत दिन हो गए मोहित की आवाज सुने। मोहित 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 आया कि नहीं आया? सर आया है ना, ज्वाइन हुआ है, पढ़ नहीं रहा है। पढ़ने का चांस थे। दिव्या शर्मा आई है तो दिव्या शर्मा तू पढ़ ले, वो भी नहीं आई। नहीं आई एक और है मुझे देखने दे तो। ये पटेल की था, ये गोपी आई है, दिया यहाँ दिया आई है ना। चल गोपी तू पढ़ ले फिर बाद में दिया का टर्न। गोपी यस सर। Five members of a family, husband, wife and three children are randomly arranged in a row for a family photograph. Find the probability that the husband and wife are seated next to each other. हाँ, तो देखो मैंने करके दिया husband, wife and children. ठीक है, अब children three children है are randomly arranged in a row. अब देखो वापस word कौन सा है arrange,
तो बताओ तो भाई, खुशी का ना अरेंज एक परम्यूटेशन लूंगा या कॉम्बिनेशन, फैक्टोरियल मतलब फर्मेंटेशन पी परम्यूटेशन पी लूंगा कि कॉम्बिनेशन का सी लूंगा पी, क्योंकि देखो पता चला अरेंज कहा है इन अ रो फैमिली फोटोग्राफ। अब इनको चाहिए क्या, इनका क्वेश्चन क्या है भाई, हस्बैंड एंड वाइफ सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। अब ये सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब क्या है, मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनको क्या कहते हैं भाई, साथ में ही बैठना है। हस्बैंड एंड वाइफ को करना क्या है कि साथ में बैठना है। ये हम काम किस तरह से करेंगे कि भाई जब हस्बैंड वाइफ को, देखो बच्चे के इतने हैं चिल्ड्रन 3 हैं, तो 3 जो चिल्ड्रन है जिसे मैं कह दूंगा भाई चिल्ड्रन 1 2 3, हस्बैंड को मैं कह रहा हूं कि हस्बैंड का मैं ले रहा हूं एच, भाई हस्बैंड का एच और वाइफ का डबल ले रहा हूं मैं। अब चिल्ड्रन कितने हैं, तो चिल्ड्रन 3 हैं, चिल्ड्रन को मैं अगर मैं कहूँ C1, चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2 एंड चिल्ड्रन 3। अब उनकी कंडीशन है कि भाई ये हस्बैंड एंड वाइफ सीटेड नेक्स्ट टू इच अदर, तो कहने का मतलब है इनको पास पास बिठाना है, तो कहाँ पर बैठेंगे पता है, तो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन 1 के आगे बैठेंगे या चिल्ड्रन 1 एंड 2 के बीच में या 2 एंड 3 के बीच में या 3 के पीछे बैठेंगे। तो ये जो कैलकुलेशन है पूरा एक किस तरह से करना है तो वो मुझे आपको समझाना है। सबसे पहले तो टोटल 5 हो गए आपको पता है, ये जो हस्बैंड वाइफ एंड अब 3 चिल्ड्रन, यानी कि टोटल जो पर्सन है वो हमारे कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए, जिसे हम टोटल अरेंजमेंट कहते हैं ना, कि टोटल अरेंजमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो 5 फाइव फाइव पी 5 हम करेंगे ठीक है। और जिसका आंसर आपको पता ही होगा 5 पी 5 का आंसर क्या आता है, 5 फैक्टोरियल। का आंसर आता है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब सारे बच्चों को आई को पता होगा, पता है कितना होगा वन आंसर, ट्वेंटी वन ट्वेंटी यानी कि भाई कैसे होता है पता है, वो भी मैं समझाऊ। 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 एंड इंटू 1, इस तरह से ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आप कर दो तो 120 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम बोर्ड पे बहुत अच्छे से, ये यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आपको समझा दिया, बोर्ड पे फटाफट पे आ जाते हैं और बोर्ड पे कर देते हैं। हो जाएगी मेरी ये सब काम करने में। ओके अच्छे से आपको दिख रहा है, अब मैं जो आपको बात कर रहा हूं क्वेश्चन में कहा था आपको कि 5 मेंबर्स है क्वेश्चन एट, तो जो 5 मेंबर्स है तो उनका एन इज इक्वल टू टोटल अरेंजमेंट होता है 5 पी 5, यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120 हो रहा है हमारे एन का आंसर बच्चों। ओके ना, अब उनका जो क्वेश्चन था
हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर. Husband and wife are seated next to each other. अगर मैं इसे इवेंट ए कहूँ तो result favorable to event A is equal to अब children जो है जिसे मैं कहता हूँ children one, children two and children three and husband and wife. ठीक है, तो husband and wife कहाँ आएंगे? तो सर children one के आगे या यहाँ यहाँ या यहाँ. तो हमारा मुंबई क्या हो गया? One, four people. Three and four, यानी कि हो गया four people. लेकिन अब यहाँ पर भी क्वेश्चन क्या है पता है बच्चों? कि भाई हस्बैंड एंड वाइफ या वाइफ एंड हस्बैंड, वो भी तो दो तरीके से होता है, हस्बैंड एंड वाइफ या वाइफ एंड हस्बैंड. तो वो होता है two people. तो m is equal to ये होगा four factorial और ये two factorial. Four factorial का मतलब होता है 24 and इसका 2 यानी 48. So P of A is equal to Mumbai upon Nagpur यानी कि 48 और ये हमारा 120. 12 fours are 48. 12 tens are 120. 4 by 10 यानी 2 2s and 5 2s. 2 by 5 फाइनल आंसर आ गया. इसी को और दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. और 48 divided by 120 दूसरा तरीका है आपका 24 2s and 24 5s. 24 2s 48, 24 5s 120. 24 20 got 2 by 5. जिस तरह से आपको कैंसलेशन करना है आप कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे करना था. अब आई थिंक वो 6 बज गए हैं. आपको बहुत अच्छे से हो गया है, मैंने अच्छे टाइम पे स्टार्ट भी किया था. चलो सबसे पहले तो यहाँ से